नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला। मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ दलित जाति से आने वाले चमकीला का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ये चमकीला आखिर थे कौन जिन पर अब नेटफ्लिक्स फिल्म बना रहा है? क्या थी चमकीला की कहानी? क्यों एक गायक को सरेआम गोलियों से भून डाला गया था? लाइट्स कैमरा और कास्ट के इस एपिसोड में जानिए पंजाब के मशहूर सिंगर रहे अमर सिंह चमकीला की कहानी। पंजाब के मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला एक दौर में अपनी आवाज़ से हर किसी के दिलों में उतर जाते थे और वो पूरे पंजाब पर राज करते थे और उनके शोज़ की बेहद तगड़ी बुकिंग होती थी। उन्हें पंजाब का पहला रॉकस्टार भी कहा जाता था। उन्हें एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाता था। हालांकि महज 27 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को डुग्गी गांव लुधियाना में हुआ था। चमकीला चमार जाति में पैदा हुए थे और उनका असली नाम दुन्नी राम था, लेकिन स्टेज नाम चमकीला पड़ा। चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक के सबसे कामयाब और मशहूर सिंगर हुए हैं। हालांकि चमकीला पढ़ाई पूरी करने के बाद इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, उनका शौक था, लेकिन उन्हें नौकरी कपड़े की मिल में मिली थी। वो कपड़ा बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें संगीत का शौक था, तो कुछ सालों में वो हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख गए। 18 साल की उम्र में उनका मिलना सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। फिर सुरेंद्र और अमर सिंह ने एक साथ काम करना शुरू किया और चमकीला ने उनके लिए गाने लिखना शुरू किया। अमर सिंह ने अपने नाम के आगे तब चमकीला लगा लिया। चमकीला उन दिनों गाने लिखा करते थे, लेकिन गाने लिखने से घर नहीं चल पा रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने ओपन स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। चमकीला गांव के रहने वाले थे, चमार जाति से आते थे, इसलिए वो ग्रामीण परिवेश को बेहतर तरीके से जानते थे। इसलिए जब वो गाने लिखते तो उनके गानों में गांव की ज़िंदगी होती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते कि कैसे गांव में अफेयर्स काम करते हैं, बुढ़ापे में क्या दिक्कतें होती हैं, घर में महिलाओं की बुरी हालत के बारे में वो लिखते, पत्नियों के साथ घरेलू हिंसा के बारे में, खाने और कपड़ों के लिए तरसते बच्चों, समाज में नशाखोरी और दारूबाजी जैसी समस्याओं का जिक्र उनके गानों में होता। यानी कि जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ग्रामीण जीवन में जो परेशानी होती है उसका जिक्र उनके गानों में होता, तो वो रिलेटेबल थे काफ़ी। लोगों का आरोप था कि चमकीला के गाने ऐसे हैं कि उन्हें अकेले में तो सुना जा सकता है, लेकिन परिवार के सामने नहीं सुना जा सकता, क्योंकि उसके गाने फूहड़ होते हैं, अश्लील होते हैं। उस पर आरोप लगाया गया कि अश्लील गाने गाते हैं, विवादित गाने वो गाते हैं। राउंड टेबल वेबसाइट पर अपने आर्टिकल में प्रदीप पत्री लिखते हैं कि अगर कथित ऑफेंसिव सॉन्ग्स की वजह से चमकीला को मारा गया तो फिर उन गायकों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो आज भी बेहद फूहड़ और महिला विरोधी गाने गाते हैं। सवाल जायज़ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दरअसल अश्लील गानों की वजह से एक समाज का तबका उनसे नाराज़ था और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल है कि फिर हनी सिंह और बादशाह जैसे जो गायक हैं जो महिलाओं के बारे में इतने ख़राब गाने गा के, घटिया गाने गाकर ही मशहूर हुए, लेकिन फिर भी उनका करियर चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो महिलाओं के बारे में बहुत ही ख़राब गाने गाते हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर आप देखें कि उनका करियर चल रहा है। लेकिन दलित जाति से आने वाले चमकीला की शोहरत कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि चमकीला साल के 365 दिनों में 366 शो किया करते थे, यानी रोज़ाना उनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हुआ करती थी, क्योंकि उनकी गायकी का हर कोई दीवाना था। और यही वजह थी कि चमकीला की गायकी ने पंजाब के बाकी गायकों को पीछे छोड़ दिया था। चमकीला के कार्यक्रमों में बेतहाशा भीड़ उमड़ती थी और म्यूज़िक कंपनियाँ उनके पीछे पीछे घुमा करती थी। चमकीला जिन महफिलों में गाते थे उन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4-5 साल में ही पंजाबी के सिर पर चढ़ गए, पंजाब इंडस्ट्री के वो बादशाह बन गए। और कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना ही बंद हो गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि यही कारण था कि कुछ पंजाबी गायकों ने मिलकर चमकीला को मारने का प्लान बनाया था ताकि उनका करियर बन सके, क्योंकि चमकीला की प्रसिद्धि के कारण उनको काम ही नहीं मिल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि एक दलित सिंगर के इतना कामयाब होने से कथित ऊंची जाति के गायकों को खूब जलन हो रही थी। 27 साल की उम्र में चमकीला की बर्बर हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी हत्या के पीछे कौन था इसका खुलासा कभी नहीं हो सका। कुछ लोगों ने चमकीला की हत्या को ऑनर किलिंग भी कहा था, क्योंकि चमकीला खुद चमार जाति से थे, जबकि उन्होंने जट जाति से आने वाली लड़की अमरजोत कौर से लव मैरिज की थी। एक दलित गायक जाटों की लड़की से ब्याह करके रोज उसके साथ महफिलों में गाना गा रहा था। शायद यही एक वजह रही होगी कि लड़की के घर वालों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया हो, ये एक कारण गिना जाता है। और फिर अचानक चमकीला को गोली मार दी जाती है।
ये इसका कोई सबूत तो नहीं मिला, कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन एक ये कारण माना जाता है। ये दिन था 8 मार्च का 1988 का, जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर मैसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उसकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियंस की मौत हो गई थी। किसी ने इस हत्या को आपसी रंजिश कहा तो किसी ने कह दिया कि ये मर्डर उग्रवादियों ने कराया था, क्योंकि उस समय पंजाब में उग्रवाद चरम पर था। कोई से ओनर किलिंग बताता रहा तो कोई से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बाकी सिंगर्स की जेलेसी का रिजल्ट बताता रहा। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन कातिल का पता नहीं चल सका और ना ही हत्या की वजह साफ हो पाई। कोई कुछ कहता रहा तो कोई कुछ और। इसी तरह किस्से कहानियों में अब चमकीला की चमक अमर हो गई है, लेकिन उनके कातिलों का अता पता नहीं। अब चमकीला की ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज अली नेटफ्लिक्स के लिए अमर सिंह चमकीला से फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम अमर सिंह चमकीला रखा है, जिसके ट्रेलर को खूब सराहा जा रहा है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म में चमकीला की मौत का सच क्या पता चल पाएगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है, लेकिन ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि एक दलित सिंगर्स के उदय पर, उसकी प्रसिद्धि पर, उसके फेमस होने पर कहीं ना कहीं जाति ने एक रोल प्ले ज़रूर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको चमकीला की ज़िंदगी पर आधारित ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।